तो बात हो रही थी हार्डवेयर इंटरप्ट की। हार्डवेयर इंटरप्ट जो हैं वो आपकी किसी भी इनपुट डिवाइस से जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या फिर इसी तरह की कोई भी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में स्कैनर आ जाता है, माउस, कीबोर्ड ये सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं और एक की प्रेस करी, ठीक है, तो उस जो आपने की प्रेस की उसको जो है प्रोग्राम फटाफट से प्रोसेस करेगा, ठीक है। अगर आपने हेलो लिखा तो इसने जो है वो 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, क्योंकि हेलो क्या है, हेलो में 5 दफा आपने कीज को प्रेस किया है, विच अलाउज द प्रोग्राम टू डिस्प्ले। और फिर जो है ये जो आपने 5 किए हैं, इस 5 ये 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई और इन 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जो है इसने फटाफट से प्रोसेस कर दिया ताकि इसको फटाफट डिस्प्ले दिखाया जाए। अब देखो, आप हेलो लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे टाइपिंग कर रहे हो हेलो, ठीक है, व्हाट्सएप पे लिखा हेलो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख रही हूँ हेलो, 5 दफ़ा मैंने की टाइप की हो, ये जैसे ही मैं लिख रही हूँ ये उसी वक्त डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, जैसे ही लिखा उसी वक्त डिस्प्ले करवाया। तो ये क्या हो रहा है कि इंटरप्ट इतना फास्टली हो रहा है, ये इतना छोटा इंटरप्ट है कि ये मिली सेकेंड के अंदर अंदर प्रोसेस हो गया, ठीक है, मैंने इसको बैक स्पेस किया ये फौरन से हो गया। तो ये होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट की भी 2 टाइप होती है, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा इंटरप्ट आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मेरे किसी दोस्त की कॉल आ गई, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी और मैं आपको पढ़ाना कंटिन्यू करूंगी। यानी कि मेरे पास एक इंटरप्ट आया और मैंने उस इंटरप्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने बोला कि मैं पहले पढ़ा दूं, फिर उस पढ़ाने के बाद मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ और अब्बू की कॉल आ गई, भाई अब्बू की कॉल को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, अब्बू की या अम्मी की कॉल आ गई भाई, तो फटाफट से मैंने आप लोगों को बोला 1 मिनट रुके, मैं ज़रा कॉल लेकर आती हूँ, और मैंने उनकी कॉल ली, और लेने के बाद मैं कॉल लेने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना मैंने रिज्यूम कर दिया। तो ये होते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट जिन वो इंटरप्ट जिसको आप डिले कर सकते हो, नॉन मास्केबल इंटरप्ट जिसको आप डिले नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त की कॉल आ गई, भाई यार कल का क्या सीन है, आप लोग बोलोगे अरे जा यार अभी पढ़ने दे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बच्ची की कॉल आ गई, वो नाराज हो गई कि भाई ये तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, आप लोग फटाफट क्लास को लीव कर दोगे, बोलोगे यार रिकॉर्ड कर लेना मैं बाद में देख लूंगा, वो हो गए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये 2 टाइप्स होती है, इन मास्केबल और नॉन मास्केबल, अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, मास्केबल इंटरप्ट में क्या होता, सॉरी नॉन मास्केबल इंटरप्ट में क्या होता है कि आप जो करंट प्रोसेस जो करंट काम कर रहे हो उसको रोक के फिर वो वाला काम करते हो। और फिर क्या होता है, काउंटर रजिस्टर क्या करता है कि जो काम आपने फिर रोक दिया था ना, जो आपने रोक दिया था रिमेन रह गया था उसको, जो हाई इंटरप्ट आया था उसको करने के लिए, तो फिर काउंटर रजिस्टर क्या करता है, जो रिमेनिंग काम रह गया था उसको फिर वो कंप्लीट करता है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं जो कि एरर्स और एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे होते हैं जब आपके प्रोग्राम जो है वो रनिंग मोड में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्रोग्राम एक्सपेक्ट्स अ वेरिएबल टू बी अ वैलिड नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपका इन्हें एक प्रोग्राम है और उसमें एक वेरिएबल है जिसमें जो है एक वैलिड नंबर होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू दी है वो नल दे दी। अब जो है वो इंटरप्ट जो है वो एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगा टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, ठीक है, क्रैश होने से इसको प्रिवेंट करेगा। दूसरा, ठीक है, उसके अलावा जो है इट अलाउज द प्रोग्राम टू चेंज कोर्स एंड हैंडल द एरर बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है, प्रोग्राम का कोर्स चेंज कर देता है और कंटिन्यू करने से पहले पहले ये एरर को हैंडल कर लेता है। सिमिलरली एन इंटरप्ट कैन बी यूज टू ब्रेक एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है, एक इंटरप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम जो है इनफाइनाइट लूप पे चला गया, अब उस इनफाइनाइट लूप को हम रोकते कैसे, वो तो इनफाइनाइट है, वो तो चलता रहेगा, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अपने आईडीई को बंद कर देते हैं। अब वो बंद कैसे करते हैं, हम एक
वो करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, उसको कुछ ना कुछ करके हम रोकते हैं उसको, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो लूप रुक जाता है। तो वो ये होते हैं आपके फिर इंटरप्ट्स, जो कि इंटरप्ट जो है इन कामों के लिए इस्तेमाल भी आते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की दो टाइप्स होती है, नॉर्मल इंटरप्ट्स, एक्सेप्शन, ठीक है। ये वाले सर ने दोनों नहीं हमें पढ़ाए, सर ने बस हमें हार्डवेयर और मास्केबल नॉन मास्केबल पढ़ाए, सॉफ्टवेयर पढ़ाए, लेकिन आप फिर भी इसके बारे में पढ़ लें। नॉर्मल इंटरप्ट वो इंटरप्ट्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कॉस्ट होते हैं, और इसको हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। एक्सेप्शन, अच्छा, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और लिखते लिखते कोई अनप्लैंड इंटरप्शन आ जाए, मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ये वाला इंटरप्शन आ जाएगा लेकिन वो आ जाए, तो वो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाइल एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम, इफ वी गेट अ वैल्यू दैट इज डिवाइडेड बाई जीरो, कॉल्ड एन एक्सेप्शन, मतलब कि हमने कोई वैल्यू दी जो जीरो से डिवाइडेड हो तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट जो है वो मेमोरी लोकेशन होते हैं इंटरप्ट हैंडलर के, एंड इंटरप्ट इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर के मेमोरी लोकेशन होता है वेक्टर इंटरप्ट, जो के प्रायोरिटाइज करता है इंटरप्ट्स को एंड सेव देम इन अ क्यू इफ मोर देन वन इंटरप्ट इज वेटिंग टू बी हैंडल, ठीक है। मतलब के वेक्टर इंटरप्ट क्या करता है, वो इंटरप्ट हैंडलर की लोकेशन होती है, ठीक है। वेक्टर इंटरप्ट क्या है, एक इंटरप्ट हैंडलर की लोकेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि वो सेट कर रहा होता है इंटरप्ट्स को एक क्यू में। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जिसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है उस क्यू को सबसे पहले लगा दो, फिर उससे लो प्रायोरिटी जिसकी उसको उसके बाद में लगा दो, फिर ऐसे एक क्यू में वो सेव करवा देता है सारे इंटरप्ट्स को, इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है। और ये एक या एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, वेटिंग टू बी हैंडल। वंस दी ऑपरेटिंग सिस्टम है सेव द एक्सिक्यूशन स्टेट, इट इज स्टार्ट टू एक्सिक्यूट द इंटरप्ट हैंडल एट द इंटरप्ट वेक्टर। फिर ये जो है इंटरप्ट हैंडल को एक्सिक्यूट करने लगता है इंटरप्ट वेक्टर पे, हो गया। वेक्टर इंटरप्ट्स आर दोज व्हिच हैव अ फिक्स्ड वेक्टर एड्रेसिंग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू दैट एड्रेस। इंटरप्ट वेक्टर इंटरप्ट वो होते हैं जिसकी एक फिक्स वेक्टर एड्रेसिंग होती है, जो कि स्टार्ट होते हैं एड्रेस ऑफ सब रूटीन पर, और इन सबको एक्सिक्यूट करने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो उस एड्रेस पे उसको ट्रांसफर करवा रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वेक्टर इंटरप्ट की बात होती है। अब नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, नॉन वेक्टर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिसके वेक्टर एड्रेस जो है वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, मतलब पहले से डिफाइंड नहीं होता है। द इंटरप्टिंग डिवाइस गिव्स द एड्रेस ऑफ द सब रूटीन फॉर दिस इंटरप्ट्स। इंटरप्टिंग डिवाइस जो है वो एड्रेस देते हैं इन सब रूटीन के, और सब रूटीन के इन इंटरप्ट्स के लिए। इंटरप्ट इज दी आई एन टी आर इज द ओनली नॉन वेक्टर इंटरप्ट इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, ये एक टेबल है, ये टेबल जो है सर ने वो दिया था होमवर्क करने को दिया था कि ये टेबल बना लेना, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीजें बोला हो कि हाँ भाई ये होमवर्क में कर लेना, और देखने के लिए किसने ये काम किया है किसने ये काम नहीं किया है क्वेश्चन वो पेपर में दे दें, और फिर जब बच्चे बोले सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो वो बोले मैंने तो होमवर्क में दिया था, तो ये टेबल भी कर लिएगा। अच्छा, फिर आते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली के कुछ ऐसे इवेंट्स या एक्शंस होते हैं जिसको हम डिले नहीं कर सकते, मतलब कि उनको इमीडिएट जो है उसको इमीडिएटली जो है एक्सिक्यूट करना पड़ता है, तो वो आपके फिर प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, जो जिनको सबसे पहले करना पड़ता है सारे काम छोड़ छाड़ के, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हमारा आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए।
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है एक मेथड है जो एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को अलाउ करता है टू सेंड और रिसीव डेटा डायरेक्टली और टू फ्रॉम द मेन मेमोरी. ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस जो है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो एक मेथड है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को कि वो सेंड या रिसीव कर सकें डेटा डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली जो है वो एक्सेस या फिर सेंड कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी. ठीक है, बाय पासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन, ताकि जो है सीपीयू ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सके. और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है डायरेक्टली मेमोरी से डेटा रिसीव या सेंड करने का, ये प्रोसेस कहलाता वो ये प्रोसेस जो है मैनेज होता है डीएमए कंट्रोलर से. सही है, और डीएमए कंट्रोलर जो एक चिप होती है. ठीक है, डीएमएसी कंट्रोल, ठीक है, डेटा मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो कि एक चिप होती है. इसकी भी एक छोटी सी डायग्राम है कि ये प्रोसेसर है. ठीक है, ये डीएमए है, डीएमए मेमोरी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है, आईओ और प्रोसेसर के बीच भी डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है. तो ये इसकी छोटी सी डायग्राम है. अच्छा, तो डीएमए जो है एक ऑपरेशन है इन विच डेटा इज कॉपीड और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर इन अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू. यानी सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी डेटा कॉपी और ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक रिसोर्स से दूसरी रिसोर्स पे. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का जो टास्क है वो ये होता है कि एग्जीक्यूट करना कॉपीड ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू, मतलब जो भी आपने डेटा कॉपी किया है उसको एग्जीक्यूट करना, ये टास्क होता है डीएमए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कंट्रोलर का. ये जो डेफिनेशन है ये मैंने इंटरनेट से देख के लिखी थी, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे सर ने लिखवाए थे. द कॉपी ऑफ डेटा कैन बी परफॉर्म फ्रॉम, मतलब कि जो भी डेटा कॉपी हो रहा है वो किस तरह से हो सकता है, आईओ डिवाइस से मेमोरी, मेमोरी डिवाइस से आईओ डिवाइस, सॉरी मेमोरी से आईओ डिवाइस, मेमोरी से मेमोरी, आईओ डिवाइस से आईओ डिवाइस. ठीक हो गया. डीएमए फैसिलिटेट्स मैक्सिमम इनपुट आउटपुट डेटा रेट एंड मैक्सिमम कॉन्करेंसी. डीएमए जो फैसिलिटेट करता है मैक्सिमम इनपुट आउटपुट डेटा रेट और मैक्सिमम कॉन्करेंसी. डीएमए कंट्रोलर जो है उसको वो अपना ही एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंटर रजिस्टर और लॉजिक कंटेन करता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू और फ्रॉम मेमोरी. डीएमए जो है वो तीन टाइप का डेटा ट्रांसफर इस्तेमाल करता है. एक होता है ब्रस्ट डीएमए, ब्रस्ट डेटा सॉरी ब्रस्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अ ब्लॉक ऑफ डेटा एट हाईएस्ट पॉसिबल डेटा रेट, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉसिबल हाईएस्ट डेटा रेट होगा उस पे ये ट्रांसफर करता है ब्लॉक ऑफ डेटा. फिर दूसरा मेथड होता है साइकिल स्टीलिंग. साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है, डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा था कॉन्करेंटली विद अदर प्रोसेसिंग. सही है, मतलब कि दूसरे प्रोसेसेस भी चल रहे हैं और ये जो डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस है ये भी चल रहा है साथ साथ कैरीड आउट बाय द प्रोसेसर. अच्छा, ट्रांसपेरेंट डीएमए होता है इन एडिशन टू नॉर्मल लॉजिक रिक्वायर्स लॉजिक टू डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ एरर. ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा होता है कि इन एडिशन टू नॉर्मल लॉजिक रिक्वायर्स लॉजिक टू डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर स्टेट दैट इन्वॉल्व ओनली इन इंटरनल प्रोसेसिंग. पता नहीं है क्या है. अच्छा, ट्रांसपेरेंट डीएमए जो होता है वो सबसे ये क्या करता है, बेसिकली ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है डेटा को ट्रांसफर करने का. ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी यही है सिस्टम ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस में. तो ये है ट्रांसफर डीएमए. ये पता नहीं क्या लिखवाया हुआ है इसमें, एक मिनट रुक जाएगा, आसान हो रही है. अच्छा, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लेते हैं. ये वाला जो है सर ने असाइनमेंट में दिया हुआ था,
कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है बेसिकली, कि जिसमें आप कोई भी डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स की होती है मेमोरी, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, और आई थिंक ये वॉलेटाइल होती है, सॉरी रैम परमानेंट मेमोरी नहीं होती, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। रैम जो है वो हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, और ये रीड और राइट दोनों होती है, ठीक है। रोम जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। अच्छा, रैम जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, ठीक है। तो एस रैम जो है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, डी रैम जो है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा को एक स्टैटिक फॉर्म में, मतलब डेटा जो है जब तक कंप्यूटर ऑन है वो डेटा वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो रैम में भी यही होता है कि जब भी हमारा जो है वो कोई भी डेटा होता है, तो जब तक हमारा सिस्टम ऑन होता है वो डेटा रहता है, जैसे हमारा सिस्टम ऑफ होता है डेटा उड़ जाता है, मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये टेम्प्रेरी मेमोरी। तो स्टैटिक में भी यही होता है कि डेटा को आप जब जहाँ पे रखते हो वो वहीं पे रहता है, एस लॉन्ग एज द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। अच्छा, रैम जो है वो फास्टर और एक्सपेंसिव होती है ड्रैम से। इसमें जो है एक मैट्रिक्स, इट यूजेस अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर, यानी कि इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं एक मैट्रिक्स में, और कोई कैपेसिटर नहीं होता। एज द ट्रांजिस्टर डू नॉट नीड द पावर टू प्रिवेंट लीकेज, हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिफ्रेश रैम अगेन एंड अगेन। सही है, इसमें कोई लीकेज नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बार बार रैम को रिफ्रेश करने की। अच्छा, फिर आता है ड्रैम, रैम डायनेमिक रैंडम मेमोरी एक्सेस, इसको भी कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। प्रीवियसली देयर वाज अ सिंगल डेटा रेट एस टी आर रैम इन कंप्यूटर, एट प्रेजेंट कंप्यूटर आर यूजिंग डी डी आर रैम। अच्छा, वो होती है ना हमारे जो हम कंप्यूटर में लगा रहे होते हैं, एस डी आर होती है सिंगल डेटा रेट, और डी डी आर रैम होती है DDR2, DDR3, DDR4, अभी जो है वो DDR5 भी आ गई है, डुअल डेटा रैम। तो ये होती हैं आपकी रैम। रैम जो है वो चीप होती हैं, छोटी होती हैं, और दूसरी रैम्स की जो टाइप है उससे कम पावर इस्तेमाल करती हैं। रैम जो है वो ट्रांजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर्स में होता है ईच सेल में, एक सेल में, और कैपेसिटर की वजह से इसमें एक लीकेज प्रॉब्लम होता है, तो रैम को जो है वो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। सही है, रैम में नहीं पड़ती थी, इसमें पड़ती है। रोम हमें पता है रीड ओनली एक्सेस मेमोरी है, इसमें जो है सिर्फ हम डेटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, और ये जो है नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। रैम वॉलेटाइल होती है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है। रैम की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3, प्रॉम, इप्रॉम, ई प्रॉम, एक और पे होती है एम एम रोम। एम रोम जो है वो मास्ट रीड ओनली मेमोरी है, एम रोम जो है वो एक मेमोरी की टाइप है जिसके कॉन्टेंट जो है वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल डेटा से बाय दी आईसी मैन्युफैक्चरर, मतलब जिसने आईसी बनाती है उसमें जो है प्री प्रोग्राम, इसमें कुछ फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं, ये मास्ट रीड ओनली मेमोरी यानी एम रोम। फिर आती है पी रोम। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसे इसके नाम में लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल, तो ये वाली जो मेमोरी है ये प्रोग्रामेबल होती है, ठीक है। मीनिंग दैट कि इसमें जो है कुछ भी हम कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि यूजर यूजर जो है वो कुछ भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकता है। प्रॉम जो है वो एज अ ब्लैंक मेमोरी मैन्युफैक्चर जो होता है इसका, इसको एज अ ब्लैंक मेमोरी करता है, और जो इसको खरीदता है वो इसके अंदर जो है फिर सेट ऑफ प्रोग्राम और कोड को ऐड करता है।
और एक दफा अगर आप इसमें जो है वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस लिख दें तो फिर आप इसको इरेज नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब मिटा नहीं सकते। अच्छा, ईप्रॉम जो है वो क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड राइटिंग, सही है। ये वाली जो होती है पीरॉम, ये जो है इसमें अगर एक दफा आप डेटा इंस्ट्रक्शन लिख दो तो आप उसको इरेज नहीं कर पाते। इरेजेबल प्रोग्राम में यही होगा कि इसमें जो है यूजर जो भी डेटा वो लिख देते हैं तो वो उसको इरेज भी कर सकते हैं एज वेल एज उसमें रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। द डेटा जो स्टोर होता है ईप्रॉम में उसको इस तरह से इरेज कर पाते हैं कि उसमें एक अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, बाय पासिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम यूजिंग ऑन ईप्रॉम इरेजर, ठीक है। ईप्रॉम इरेजर पे जो है कुछ वक्त के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट को पास करते हैं तो उससे जो है डेटा इरेज हो जाता है, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइप है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वो वाली मीम याद होगी, वो कौन सी फिल्म थी, वो टैक्सी में बैठते हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर अपना नाम बताते 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 उसका नाम वो कहाँ तक पहुँच जाते, तो इसी तरह से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गया, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गया, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गया। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है इसको प्रोग्राम करते हैं और इरेज करते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। जो नॉर्मल हमारी रीड ओनली मेमोरी, सॉरी वो थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो एक ब्लैंक होती है मेमोरी जिसमें जो है जो उसको खरीदता है वो खुद अपनी मर्जी का कोड और प्रोग्राम जो है उसमें अपडेट कर देता है लेकिन उसको इरेज नहीं कर पाता, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में क्या होता है कि वो जो उसको खरीदता है तो उसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन उसने लिखा होता है उसको वो इरेज भी कर सकता है और फिर उसमें रीराइट भी कर सकता है। अब इलेक्ट्रिकली में क्या है कि प्रोग्राम और जो भी हमने लिखा लिखा है तो प्रोग्राम जो हमने लिखा है और अगर हम उसको इरेज करना चाहें, दोनों काम जो है वो इलेक्ट्रिकली होंगे, ठीक है। बोथ प्रोग्रामिंग एंड इरेजिंग ऑफ डेटा टेक्स अराउंड 4 to 10 मिली सेकेंड, मतलब ये इतनी एडवांस है कि सिर्फ 4 से 10 मिली सेकेंड लगते हैं इरेजिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में या इरेजिंग करने में। 10,000 टाइम्स, मतलब क्या आप इसको जो है डेटा इरेज करना और रीराइट करना जो है कोई 10,000 दफा कर सकते हैं। इप्रॉम कैन बी इरेज 1 byte एट अ टाइम, एक टाइम में जो है 1 byte को इरेज करता है रेदर देन इरेजिंग द इंटायर मेमोरी एट वंस, मतलब पूरी मेमोरी को एक साथ इरेज नहीं करता, 1 byte को एक टाइम पे इरेज करता है। तो इंटायर जो पूरा प्रोसेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन स्लो होता है, सही है। लास्टली इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो हमारा होता है फैच डिकोड एक्सिक्यूशन, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है वो बेसिक ऑपरेशन होता है फैच डिकोड एक्सिक्यूशन साइकिल, ठीक है। क्या करता है, सीपीयू जो है वो डिजाइन किया गया है लोड रीड और एक्सिक्यूट करने का के लिए, किसको लोड रीड और एक्सिक्यूट करने के लिए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, और उसको क्या कहते हैं, द सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट। सबसे पहले क्या करता है सीपीयू, इंस्ट्रक्शंस इट मेन मेमोरी से जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है यानी उसको लेता है, फिर जो है उसको डिकोड करता है ताकि वो उसको समझ पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और ये जो है होता रहता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन होता रहता है एंटिल हमारा जो सीपीयू है वो शट डाउन हो जाए, ठीक है। और ये सब, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक काफ़ी अच्छी स्पीड पे होता है, ठीक हो गया। सीपीयू फैचेज द इंस्ट्रक्शन 1 at a time, मतलब एक वक्त में एक ही दफ़ा जो है वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है और रजिस्टर में देता है, ठीक है। 1 register इज द प्रोग्राम काउंटर, द पीसी होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब वो उसको फैच कर लेता है तो फिर एक मतलब मेन मेमोरी से फेच करके उसको रजिस्टर में डाल दिया डिकोड करने के लिए, तो जब वो ये वाला इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो फिर प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा होता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि हमें फेच करना है अब उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है,
ठीक है, फिर जो है सीपीयू का करता है, फिर वो जो इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया उसको डिकोड करेगा और फिर उसको ऑपरेटर या ऑपरेंड में डाल देगा। फिर जो है वो वहां पे जाके जो है एक्सिक्यूट कर देगा और फिर करता रहेगा इसी, ये जो 3 स्टेप है इन 3 स्टेप को रिपीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा अंटिल कोई इंस्ट्रक्शन बचेगा नहीं। तो ये इसकी ये भी छोटी सी डायग्राम है, ठीक है। और अच्छा, ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक ये छोटा सा एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, पाइथन का कोड है कि जिसमें जो है सेवरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आया है, क्या होगा सबसे पहले कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नीड्स टू लोड इन दी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले जो है वो वेरिएबल की लेंथ को लोड करेगा मेमोरी रजिस्टर्स में, ठीक है। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट इट नीड्स टू लोड द इन दी वैल्यू ऑफ दी, सही है, फिर जो है वेरिएबल में उसकी वैल्यू को लोड करेगा जो कि विथ की है, ठीक है। सबसे पहले लेंथ की करी फिर विथ की करी सेम मेमोरी रजिस्टर में लेकिन डिफरेंट लोकेशंस में, ठीक है। एक ही मेमोरी रजिस्टर में लेकिन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। फिर इन दोनों को उसने जो है मल्टीप्लाई करवाना है एक साथ, और फिर आई थिंक ये प्रोसेस मैंने पूरा लिखा नहीं, लिख के अपडेट कर दूंगी। तो इसमें यही होगा कि फिर जो है वो उसको स्टोर कर रहेगा वेरिएबल एरिया में। तो क्या हो गया, सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को फेच किया कि इस इंस्ट्रक्शन में काम क्या हो रहा था कि एक वेरिएबल है उस एरिया, तो उस वेरिएबल में जो है दो और वेरिएबल आ रहे हैं लेंथ और विथ, और लेंथ और विथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपके एरिया का आंसर बन रहा है। तो सबसे पहले जो है इसने जो है इस इंस्ट्रक्शन को फेच किया, डिकोड किया, डिकोड में जो है वो ये सारी बातें लिखी हुई थी। इस बातें करने के बाद जो है उसने जब लोड कर दी ये सारी चीजें, फिर उसके बाद जो है उसने उसको डी वो कर दिया, एक्सिक्यूट कर दिया। एक्सिक्यूट करने के बाद जो है उसको डिस्प्ले करवा दिया कि ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। ये एक डायग्राम सर ने करवाई थी, तो ये भी रट लिएगा। तो ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स कंप्लीट हो गया, कुछ पूछना है?